दिखना शुरू हुआ तो एकदम दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जब अलग अलग स्टेजेज में जब बूस्टर अलग हो रहे थे तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनकी धमक यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ तक आ रही थी, यानी हम कह सकते हैं जमीन हिल रही थी। तो कहीं ना कहीं हम एक बड़ी कामयाबी भारत की कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रॉकेट उठा और जिस तरीके का नज़ारा सामने आया वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं विलक्षण है, एकदम अद्भुत है, अद्भुत नज़ारा कहा जा सकता है। क्योंकि आपने कहा आप दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, हम अपने मिशन पर निकले, धरती हिलने लगी थी और बहुत जोर की आवाज आई थी, आपको आप ये बताना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल चित्रा, धरती हिल रही थी और जो आवाज आ रही थी धमाकों की वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बिल्डिंग को हिला रही थी, हल्की सी धमक मालूम दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि धरती हिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो रॉकेट में बड़े बड़े विस्फोट हो रहे थे, बड़े बड़े तरीके से जो ईंधन निकल रहा था बाहर, वो जो उसको थ्रस्ट दे रहा था उसकी धमक हम खुद महसूस कर रहे थे श्रीहरिकोटा में। जी ये महत्वपूर्ण है जो जानकारी सिद्धार्थ लगातार हमें दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर ही वो मौजूद थे। अब सिद्धार्थ हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, थोड़ी देर का और इंतजार जब तक वैज्ञानिकों की ओर से पूरी जानकारी हमें नहीं दी जाती है। तमाम और मेहमान बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योत्सना जी अब आपके पास आते हुए जल्दी से दो लाइन में आपकी टिप्पणी चाहूंगी। हम अपने मिशन पर निकल चुके हैं, कम से कम शुरुआती दौर में ये बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिए और इसरो के हमारे वैज्ञानिकों के लिए। देखिए ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये सब लोग जितने लोग लगातार मेरे ख्याल से 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक हर आदमी लगातार यही सोच रहा था कि वैसे तो हमें 15 तारीख को भी पूरा यकीन था कि हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। ये आज की तस्वीरें बिल्कुल ये बता रही हैं कि वैज्ञानिकों ने जो काम करा है उनके चेहरों पे नज़र आ रहा है और वो जानते हैं कि सबकी नज़रें उनके ऊपर टिकी हुई हैं, तो उनके उनके चेहरे पे जो संतोष का भाव दिख रहा है वो अपने आप में किसी से उसका कंपैरिजन कर पाना। प्रोफेसर आरबी सिंह, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। जी जी, बहुत दिनों 2022 की प्रतीक्षा में हमें लगता है कि हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और इस कदम के बाद हम 2022 का इंतजार करेंगे। और ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि जो उसके ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, जो दोनों सैटेलाइट को और चंद्रयान को मेन रॉकेट को जोड़ रहा है, उस पर जो राष्ट्र का झंडा लगा हुआ है। और चित्रा जी बता दें कि राष्ट्र का झंडा भी आज ही के तारीख में, आज ही के दिन 1947 में, 22 जुलाई 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको पूरे राष्ट्र का झंडा बनाया था। और ये हम काम तो अपने उन्नति गर्व महसूस कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन काम करने हम पूरे विश्व के लिए चले हैं। ये जो हम कार्य करने जा रहे हैं पूरे विश्व और पूरी मानवता के लिए कार्य करने जा रहे हैं, और ये हमारे देश से हो रहा है, इससे अच्छा कुछ है। सिंह साहब, आपने एक यहाँ पर चीज का जिक्र किया कि हम पूरे विश्व के लिए काम करने चले हैं। स्पेस जो है वो लगता है सबसे ज्यादा क्राउडेड जगह होती जा रही है, खासकर ये देखते हुए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का टारगेट लिया है, तभी टेस्ला जो प्राइवेट एजेंसी है उसने भी टारगेट ले रखा है मून पर इंसान को भेजने का। हमारा टारगेट है 2022 और इसी दरमियान चीन भी है। उस लिहाज से चंद्रयान 2 जो है वो अपने आप में कितना बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि क्या इससे हमारा जो ड्यूरेशन है, जो चीजें करने की जो अवधि है उसमें कुछ कमी आएगी, उसमें कोई जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्पीड अप होगा? देखिए चंद्रयान 2 हम किसी को अगर माइंड मैन्यूवरिंग कर रहे हैं उस सरफेस पर, मतलब चंद्रमा पे हम आदमी उतारना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने बताया पूरी मानवता के साथ साथ कि हिंदुस्तान अपनी तकनीक का प्रयोग करा, इसमें सब कुछ मिला के अपनी तकनीक है पूरी की पूरी, तो क्या हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम चंद्रमा की सतह पर उतर सकें? चंद्रमा की सतह उतरने के लिए जो हमारे पास जितने भी पैरामीटर चाहिए, जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर 48 दिन बाद हमारा लैंडर वहां पर लैंड कर गया तो आप ये विश्वास करिए हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी होगी कि हम किसी देश की तरफ नहीं देखेंगे, पूरी टेक्नोलॉजी होगी कि सतह पर हम उतरेंगे। 1 दिन 2 दिन 15 दिन हमें रहना, जाड़े से बचने के लिए हम उसके अलावा अपने कवर निकाल सकते हैं, महीनों वहां पर रुक सकते हैं। बिल्कुल ये सबसे बड़ा कदम है हमारा, ये परीक्षा का समय है, अभी तो हम ऑर्बिट में जा रहे हैं, अभी चंद्रमा कक्षा पर हमें बिल्कुल चिंता नहीं, लेकिन लैंडर जब लैंड करेगा
ऑटो मोड में लैंड करेगा, सारे पूरे धूल से और सब चीजों से बचता हुआ, वहां के रेडिएशन से बचता हुआ लैंड करेगा, तब हमें लगता है कि हम बिल्कुल निश्चिंत होंगे कि हमारा जो मानव सहित हम लोग अभी तक सिंह साहब हम लोगों ने अभी तक कई बार एक ही चीज का जिक्र किया और वो था रोवर, कि रोवर जो होगा उसके जाने से वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, कितनी चुनौतियां हैं। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, रोवर की कहानी 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी आज से 52 दिन के बाद, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो एक साल तक रहेगा। ऑर्बिटर का रोल क्या क्या होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्शन होगा, ऑर्बिटर से क्या क्या फर्क पड़ेगा, जरा ये बताइए, क्योंकि इसी ऑर्बिटर में अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाहर की कंट्रियों के भी कई पेलोड है। सिंह साहब आवाज गई तुम्हारी? आरबी सिंह साहब मैं आपसे सवाल पूछा था, ये के सिद्धार्थ जी, पिछले बार ऑर्बिटर ने क्या किया था कि वह चांद के चारों तरफ में घूम रहा था 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर और उसकी मैपिंग कर रहा था, उसकी फोटो ले रहा था, स्कैनिंग भी कर रहा था। स्कैनिंग का मतलब कि वह एक रे भेजता है, वह वहां से रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो अलग अलग किस्म रंग के जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ पर, अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर वो भेजते हैं। मतलब कि ऐसा समझिए कि आपका मोबाइल है, वह रिफ्लेक्ट होकर आपका डेटा आ रहा है, तभी कुछ नंबर आपके पास में, कुछ अंक के पास में, कुछ हमारे पास में आते हैं। तो ये काम वो कर रहा था। दूसरा, उसे 3D मैपिंग करनी है। मतलब 3D मैपिंग का मतलब हो गया कि कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर बड़े गड्ढे हैं, कहाँ पर छोटे गड्ढे हैं, उसे मैपिंग करना उसे। तीसरा काम उसे करना है कि किस जगह पर टेम्परेचर कितना कम है, कितना अधिक है, तभी हम लोग पानी